नमस्कार, आप सभी मित्रों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लम्मा यूके में। दोस्तों, ऐसे तो हम आपको कुछ नई नई वीडियो दिखाते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको खास वीडियो दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन, जिसको महाकाल नगरी उज्जैन भी बोला जाता है, जहाँ है माँ हरसिद्धि का मंदिर। भारत में 51 शक्तिपीठों में से 13वां नंबर का शक्तिपीठ कहलाता है माँ हरसिद्धि मंदिर उज्जैन, जिसकी खास बात हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो पूरी देखिए, जिसमें आपको एक अद्भुत नज़ारा देखने को यहाँ पे मिलेगा, जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस मंदिर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि माँ हरसिद्धि की कृपा से आज भी उज्जैन क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी गरीब हो, कभी कोई भूखा नहीं सोता है, और चाहे कोई कितना भी लाचार हो, कभी उसके पास पैसों की तंगी नहीं आती है। ये माँ का एक उज्जैन क्षेत्र में चमत्कार है, जिसको लोग हरसिद्धि का चमत्कार मानते हैं। लोक कथाओं के अनुसार ये कहा जाता है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अमावस की रात को अपना सर काट के माँ हरसिद्धि के चरणों में भेंट कर दिया करते थे, लेकिन माँ हरसिद्धि हर बार उनके सर को उठा के जोड़ दिया करती थी। जब शिव माँ सती को अपने कंधे पर उठा के ले जा रहे थे, तो माँ जमीन पर गिर के जहाँ जहाँ उनके टुकड़े पड़े, वहाँ शक्तिपीठ बन गए। तो माँ की जो कोहनी है सती माँ की, वो यहाँ गिरी थी, जिससे माँ हरसिद्धि का उजागरण हुआ। और लोग आज भी यहाँ पे काफ़ी मात्रा में, यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है, ये भीड़ हर रोज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। 1111 दीप मालाएँ हैं यहाँ पे, जो कि 30 फुट करीब लंबे स्तंभ में बने हुए हैं, और ये मात्र 10 मिनट में ही इन सारे दीपों को पंडित जी लोग जला देते हैं। और जो नीचे नीचे आप दीप मालाएँ जलाने के लिए देख रहे होंगे, ये वो लोग हैं जिनकी मनोकामनाएँ, यहाँ जो मन्नत मांगी हुई है वो पूर्ण हो जाने पर यहाँ वो लोग दीप प्रज्वलित करते हैं। एक बार में दीप जलाने का खर्चा कम से कम 7000 रुपये का आता है। दिन के समय में जितने लोग यहाँ पे आते हैं, उनके लिए एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर ये दीप मालाएँ जलती कैसी हैं, क्योंकि उन्होंने दीप मालाएं जलती हुई नहीं देखी होंगी। तो सबसे बड़ी बात, विशेषता आज मैं ये लेके आया हूँ आपके लिए, कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा देता हूँ कि कैसे पंडित जी लोग इतने ऊंचे स्तंभ में दियों को जला देते हैं। यहाँ पे जिस टाइम पे दियों को प्रज्वलित किया जाता है, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे। संध्या आरती के बाद में ये दीप को प्रज्वलित किया जाता है, जिनमें काफ़ी मशक्क़त के बाद में ये दीपों को जलाया जाता है, और मात्र 10 मिनट में 1111 दीप मालाएँ जलाई जाती हैं। देखिए आप कितनी तेज़ी से यहाँ पे पंडित जी लोग जो हैं वो ऊपर चढ़ते हैं, जो कि इसमें पूरा तेल लगा हुआ है, तेल से इतनी फिसलन है कि हर किसी की बस की बात नहीं होती है कि वो इनके ऊपर जो है वो जा सके। लेकिन यहाँ पे एक माँ का चमत्कार ही मानते हैं, जो इतने ऊँचे स्तंभ पर ये पंडित लोग बहुत तेज़ी से जा पाते हैं, ये कहीं ना कहीं एक माँ का चमत्कार यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और आपको ये सौभाग्य होना चाहिए कि आप वीडियो के माध्यम से इस तरह से हम आपको संध्या आरती दीप प्रज्वलित करते हुए दिखा रहे हैं। एक बार जय माता दी का नारा जरूर लगाएं मन मन में, हो सकता है आप जो भी मन्नत माँ से अपनी आंखें बंद करके मांगो, शायद वो आपकी वहीं से पूर्ण हो जाए, क्योंकि माँ हर जगह बसी हुई है, हर मन में बसी है और हर घर में बस है माँ। हम माँ से यही प्रार्थना करते हैं, जितने लोग हमारे व्यूवर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो हर एक व्यक्ति की इच्छा पूर्ण करे, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, कभी किसी को दुख का आभास ना हो। देख सकते हैं आप, ये एक अद्भुत चमत्कारिक वीडियो है, जो हमने काफ़ी मशक्क़त के बाद में आप लोगों के लिए बनाया, ताकि आप लोग घर बैठे बैठे भी माँ के दर्शन कर सको। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने और मित्रों को भी साझा कर सकते हैं, जिनको भी माँ का आशीर्वाद पाने का सौभाग्य प्राप्त होगा।
1111 दीपमालाएं जो कि मात्र 10 मिनट में पूरे कर देते हैं। यह कहीं ना कहीं एक बहुत अद्भुत बात है, और इतने ऊंचे में से इस तरह से तेल के स्तंभ में चढ़ पाना जहाँ बहुत कठिन होता है, वहाँ आप देख सकते हैं कितनी स्पीड से पंडित लोग जलाते हैं।